ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सारे? एकदम फिट। इवोल्यूशन चैप्टर बेटा हम लोगों ने कल मॉर्निंग में कर लिया था कंप्लीट। आज उसकी एनसीईआरटी के डिस्कशन कर लेते हैं एक बार, बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक। छोटी छोटी बातें हैं और ये पूरा एक घंटा हर लाइन को पेशेंसफुली एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है? तो लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं हाईलाइट करूंगा। आपका काम क्या है, आप भी साथ में एनसीईआरटी पर हाईलाइट करते चले जाओगे, ठीक है? और जो नई बातें होंगी हम लोग डिस्कस ऑटोमेटिकली कर लेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे मुझसे आज पहली बार मिल रहे हैं, है ना, मेरे बारे में दो तीन चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है, राइट? आपको यहाँ दिख रहा है, माय नेम इज अनुराग तिवारी, आपका बायोलॉजी का एजुकेटर, और एन अकेडमी पर मैं आपको लाइव पढ़ाता हूँ। कुछ मेरे बारे में यहाँ पर चीज़ें हैं, है ना, जो आपको ऑलरेडी पता ही हैं आई थिंक, राइट? तो पढ़ाई की बात स्टार्ट करते हैं प्रॉपर और शुरू करेंगे कहानियों को सिस्टमैटिक फॉर्म में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलो, सो हमारे पास जो टॉपिक है आज का, उसको बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आप इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जुड़ चुके हैं और आप यहां से पढ़ाई कर रहे हैं, राइट? फर्स्ट थिंग। और अनअकैडमी अगर आप ज्वाइन करते हैं, अनअकैडमी के साथ में जुड़ते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या होने वाला है, व्हाट यू विल गेट, आपको क्या क्या मिलेगा? अनअकैडमी पर आप डेली लाइव क्लासेस कर सकते हैं, फर्स्ट डेली लाइव क्लासेस कर सकते हैं। उस लाइव क्लासेस में आप अपने एजुकेटर के साथ में चैट कर सकते हैं, अपने एजुकेटर के साथ में डिस्कशन कर सकते हैं, अपने एजुकेटर के साथ में डाउट्स ले सकते हैं, अपने एजुकेटर के साथ में आप पोलिंग के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने नॉलेज को बता सकते हैं कि हाँ सर मुझे ये चीज़ें पता चल चुकी हैं, अब मैं इसके लिए कॉन्फिडेंट हूँ। एंड सब कुछ कब, जब क्लास चल रही है, ये नहीं कि रिकॉर्डेड हो गया बाद में देख रहे हैं, वो तो है ही है, लेकिन आप पैरेलल में, ताकि टॉपिक में के लिए आपको टीचर तुरंत अवेलेबल है, बिल्कुल जैसे ऑफलाइन क्लासेस में करते हैं हम लोग या स्कूल में करते हैं, बिल्कुल वही सेम चीज़ यहाँ पर भी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, फर्स्ट। सेकंड, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि बहुत सी लाइव टेस्टिंग होती है यहाँ पर, जैसे ही आप किसी चीज़ को प्रिपेयर कर लेते हैं अच्छे से, राइट? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो लाइव टेस्ट, बहुत से क्विजेज यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर होते रहते हैं, राइट? साथ साथ में बहुत सा सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, और ये स्ट्रक्चर्ड कोर्स किस चीज़ में हेल्प करता है आपके, आपकी प्रिपरेशन में, लाइक आपने चैप्टर वन से स्टार्ट किया, है ना, और आप प्रॉपर 16 चैप्टर तक गए सिस्टमैटिक फॉर्म में, तो ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक, अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम सिलेबस, ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको अनअकैडमी के साथ में मिलते हैं, एक बात। साथ साथ में अनअकैडमी पर आपको अनलिमिटेड एसेस मिलेगी। अनलिमिटेड एसेस का मतलब क्या होता है, हमेशा आप जब भी एक बार, वन टाइम आप अनअकैडमी के साथ में जुड़ गए, तो अब आप किसी भी सब्जेक्ट को एसेस कर सकते हो। ज़रूरी नहीं आप सिर्फ बायो के लिए जुड़ रहे हो, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, इंग्लिश है, बहुत से सब्जेक्ट हैं, सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं, और वो भी बहुत से टॉप एजुकेटर के साथ में, आपको ये चीज़ें मिलती हैं। मेरी बातें समझ पा रहे हैं? साथ साथ में अनअकैडमी की एक और जो अच्छी चीज़ है वो क्या, कि आपको बायोलॉजी के बहुत से कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल मिलते हैं, फिजिक्स के बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं, मैथमेटिक्स के बहुत से कोर्सेज हैं, इकोनॉमिक्स के, केमिस्ट्री के, इट मींस यहाँ पर बहुत से कोर्सेज, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी में भी करंटली 20 प्लस कोर्सेज करंटली अवेलेबल हैं, पुराने तो जो हैं रिकॉर्डेड वो तो है ही हैं, बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से आपको ये सिस्टम समझना होगा, है ना, और इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करना है वहां पर, और इंस्टॉल करेंगे वहां पर, और आप अनअकैडमी के साथ में जुड़ गए, अपनी जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है, नाम है, क्लास है, गोल है, जो भी चीजें, वो यहां पर ऐड कर दिया आपने, और ऐड करने के बाद गोल सेलेक्ट कर दिया सीबीएसई क्लास 12th, यहां पर क्या सीबीएसई क्लास 12th, ये आपका गोल सेलेक्ट हो, यहां पर क्लिक करेंगे ना, थ्री लाइंस जो हैं इस पर क्लिक करेंगे तो आपको आपका गोल यहां पर ऑप्शन आ जाएगा, तो ये आपके लिए एक फायदा रहेगा, ये आपके लिए एक एड ऑन बेनिफिट रहेगा कि आप एक
अपडेटेड चीज़ों के साथ में जुड़ रहे हैं, क्योंकि अनअकैडमी आपको YouTube पर तो पढ़ाता ही पढ़ाता है। अगर आपको पता हो तो यहाँ पर अनअकैडमी में डेली है ना फ्री स्पेशल क्लासेस चलती हैं डेली। और मैं आपको एक डाटा बता दूं, अनअकैडमी पर डेली 15,000 प्लस लाइव क्लासेस चलती हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म। 15,000 प्लस, 15,000 से भी ज़्यादा लाइव क्लासेस डेली बेसिस पर चलती हैं, अलग अलग एजुकेटर्स इसको लेते हैं। और साथ में इसका प्लस तो प्लस कोर्स है ही है, तो ये और ये भी फ्री है, है ना। तो मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आर फ्री, सिर्फ ये पेड है कुछ एड ऑन बेनिफिट्स के साथ में, ये आपके साथ में है। बातें समझ पे आ रहे हैं। पैरेलल में आपको टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है, और वहां पर क्या सर्च करेंगे, क्वेस्ट 12 सीबीएसई साइंस, ये आपको सर्च करना है। ऑटोमेटिकली आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से जुड़ जाएंगे। और साथ साथ में ये हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान है, अगर आप हमारे प्लस के साथ में जुड़ते हैं तो कुछ एड ऑन बेनिफिट हम आपको दे पाएंगे। 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है दैट इज 12,500, और इसमें अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं ATSIR तो आपको डायरेक्टली 10% का ऑफ मिल जाएगा। 10% का वॉट ऑफ मिल जाएगा, ये एक एड ऑन बेनिफिट है। साथ साथ में ये चीज़ जो है, जो स्पेशली मैं आप बच्चों के लिए करना चाहता हूँ, क्या आपको परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं किसी भी तरह की बुक की। आई विल प्रोवाइड यू ऑल द सॉफ्ट कॉपी रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, रिलेटेड टू योर क्लास, राइट। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, यूज़ करना है मेरा कोड ATSIR जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, राइट। तो स्टार्ट करें NCERT के लाइन बाई लाइन डिस्कशन के साथ में चीज़ों को, बहुत सिस्टमेटिक, छोटी छोटी सी बातें हैं, और NCERT को सिस्टमैटिक पढ़ेंगे, ठीक है। चल, तो ये NCERT आपकी है ना, आपके सामने ही है, और हर लाइन को बढ़िया से बेहतरीन तरीके से यहां पर आपको समझना है, ठीक। और 17 पेज की ये पूरी आपकी पूरा चैप्टर है, इंक्लूडिंग टेक्स्ट है ना, जो क्वेश्चंस हैं इसको ढंग से समझेंगे। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ, है ना, हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म। बातें समझ पा रहे हैं? एक, व्हाट एग्जैक्टली द इवोल्यूशन, यहां पर टू अंडरस्टैंड द चेंज इन फ्लोरा एंड फाउना दैट हैव अकर्ड मिलियन ओवर मिलियन ईयर ऑफ अर्थ, वी मस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। यहां पर एक वर्ड क्या आ गया, ओरिजिन ऑफ लाइफ, राइट। इवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ लाइफ का मतलब क्या हुआ, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, है ना, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, स्टार्स एंड यूनिवर्स, एंड व्हाट यूनिवर्स, सिंपल चीज है। व्हाट फॉलोज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्टेड है ना एंड कंजक्टर्ड स्टोरी। बहुत सिंपल से वो कुछ पैराग्राफ दे रखे हैं, कुछ जो है कैची लैंग्वेजेस दे रखी हैं, सो डू नॉट बॉदर अबाउट दैट, है ना। ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करेंगे, और ओरिजिन ऑफ लाइफ में है ना आपको एक लाइन मिल रही है यहाँ पर, स्टेलर डिस्टेंस किस में नापते हैं हमेशा, लाइट ईयर्स में। ये एक आपके लिए डाटा है, इसको ज़रूर याद रखें। स्टेलर डिस्टेंस हम लोग कैसे नापते हैं, हमेशा किस में, लाइट ईयर्स में। What we see today is an object whose emitted light, आप इस बात को समझो, आज जो हमें दिख रहा है वो कहीं बहुत पहले दिखा होगा, वहाँ की लाइट ट्रेवल कर रही है, तो इसका मतलब क्या, जो आज दिख रहा है वो पहले कहीं हो चुका है। This is called as time travel, है ना, ये चीज़ें होती हैं नेचर में अपने। बातें समझ में आ रही हैं? जैसे सन की जो रेज है वो 8 मिनट समथिंग में हमारे पास पहुँचती है ना, तो इसका मतलब क्या, जो चीज़ अभी हमें सन दिखा वो 8 मिनट पहले हो चुका है एक्चुअली सन पे। ये कुछ चीजें हैं जो आपको डाटा में याद रखने हैं, है ना। व्हाट वी सी टुडे इज एन ऑब्जेक्ट हुज एमिटेड लाइट स्टार्टेड इट्स जर्नी मिलियन ईयर बैक एंड फॉर्म ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर अवे एंड रीचिंग अवर आई नाउ, है ना। तो वो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको यहां पर समझनी है सिंपल फॉर्म में। Therefore, when we see star, we are apparently peeping into the past. आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, what is the meaning of this sentence? What is the meaning of this sentence?
When we see star, we apparently are peeping into the past. इसका मतलब क्या हुआ? जब हम कोई चीज देख रहे हैं, वो पहले हो चुकी है. वो पहले हो चुकी है. आपको ये चीज याद रखना होगा. ठीक है? तो सिंपल लाइन बाय लाइन एक रीडिंग लगा रहे हैं एनसीईआरटी की. नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड अ यूनिक इवेंट इन हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स. यूनिवर्स इज वास्ट. रिलेटिवली स्पीकिंग, द अर्थ इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट ओनली अ स्पेक. सिंपल लैंग्वेज में यहां पर चीजें हैं. यूनिवर्स की जो एज बताई हुई है वो कितनी है भाई? काम की बातें हाईलाइट करूंगा बस, बाकी पढ़ते जाएंगे आप समझते जाएंगे. क्या बोला? यूनिवर्स की एज कितनी है सारे बच्चे? तो आपके सामने है चीजें, है ना? यूनिवर्स की एज कितनी हो गई? अगर कोई पूछे तो इट इज अराउंड कितना? इट इज अराउंड 20 बिलियन आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा. अच्छा, गैलेक्सीज के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं तो आपको पता होना चाहिए. स्टार्स हैं, क्लाउड हैं, है ना? क्लाउड ऑफ गैसेस हैं, डस्ट है. ठीक. बिग बैंग थियरी के बारे में बताया हुआ है और बिग बैंग थियरी एक्सप्लेनर्स यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में किस थियरी ने बताया, तो आपको यहां पर पॉइंट याद रखना है बिग बैंग थियरी. सिर्फ काम की बातों पर अंडरलाइन करेंगे. अच्छा, इट टॉक्स द सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन. बहुत बड़ा धमाका हुआ आज से करोड़ों अरबों सालों पहले, है ना? और हमें वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कैसे हुआ, क्या हुआ, क्योंकि हर चीज दूर जा रही है और दूर तभी जाती है कोई चीज जब उसके अंदर ब्लास्ट हो एक बार. सो यूनिवर्स एक्सपैंडिंग, यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, बात समझ पा रहे हैं? और एक्सपेंशन की वजह से टेम्परेचर हमेशा कम हुआ है, ये भी हमें याद रखना है. सबसे पहले हाइड्रोजन और हीलियम फॉर्म हुए थे, तो मैंने आपको बता रखा है कि हाइड्रोजन और हीलियम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ही तो कॉम्बिनेशन है सीधा सीधा सा, तो यही तो समझना है. एक गैसेस कंडेंस्ड अंडर ग्रेविटी, ये भी तो एक क्वेश्चन बना. प्लीज मेरी नजर से देखो किसी चीज को, मेरी नजर से देखो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, है ना? कि कैसे कोई चीज बनी, एग्जैक्टली कैसे कोई चीज बनी, ये बात आपको समझनी होगी, इंपॉर्टेंट है ना? सो आपसे क्वेश्चन पूछा है हाउ गैसेस आर कंडेंस्ड. हर लाइन पर क्वेश्चन बनता है और मैं हर लाइन डिस्कशन करके जाऊंगा. ठीक है, हर लाइन को प्रॉपर डिस्कस करके जाएंगे. ज्यादा कुछ नहीं, 17 पेज, जिसमें दो तीन पेज तो समरी और टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, तो 12-15 क्वेश्चन है ना, वो पेजेस हैं, और 15 पेजेस एक घंटे आप लगा लो या 50 मिनट लगा लो, तो ये एक सिस्टम है जो आपको याद रखना होगा. राइट. फॉर्म द गैलेक्सी ऑफ प्रेजेंट डे अर्थ और यूनिवर्स इन द सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी अर्थ आर सपोज टू बी फॉर्म. तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सोलर सिस्टम में, है ना, सोलर सिस्टम में मिल्की वे गैलेक्सी अर्थ कब बने? 4.5 बिलियन ईयर बैक. और उस टाइम एटमोसफेयर नहीं था अर्थ पर, सिर्फ क्या क्या चीजें थी? वॉटर, वेपर, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया. Only these are available. ये वर्ड याद रखेंगे. ठीक. अच्छा, पैरेलल में इसको समझ लेते हैं दोबारा से. सिंपल सिंपल सी चीजें हैं. यूवी रेज फ्रॉम सन ब्रोकन वाटर एंड हाइड्रोजन. आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि जी, मैं हर लाइन पर डिस्कशन कर रहा हूं, प्लीज इसी तरह से पढ़ेंगे. अगर ढंग से पढ़ते हैं तो चीजें समझ में आएंगे और स्लोली समझ में आएंगी. मेरे पास जादू नहीं, जादू से मैं कभी नहीं पढ़ाता. सिंपल सिंपल तरीका, और जो सिंपल तरीके पर अडॉप्ट कर गया वो सारी बुक पढ़ सकता है, एक बुक नहीं. तो यूवी रेज ने क्या किया, वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया. ठीक है, और ऑक्सीजन कंबाइंड विथ अमोनिया एंड मेथेन टू फॉर्म वाटर. देखो कितना बेहतरीन यहां पर रिएक्शन दे रखा है. ये दोनों ही चीजें आपको पैरेलल में इनफैक्ट लिखनी भी चाहिए. हमेशा एनसीईआरटी बहुत अच्छी है इस मामले में कि आप चीजों को, है ना, आप चीजों को कैसे कर सकते हो, अपने तरीके से लिख सकते हो. एनसीईआरटी ने जगह दे रखी है कि जब भी आप H2O की बात करते हैं, H2O किस में टूट गया? H2 plus O2 किसकी प्रेजेंस में? यूवी रेज की प्रेजेंस में. किसकी प्रेजेंस में? यूवी रेज. और H2 तो लाइटर था तो स्किप कर गया. जो ऑक्सीजन है ना, दे कंबाइंड विथ अमोनिया. व्हाट? दे कंबाइंड विथ अमोनिया एंड मेथेन. बातें समझ पा रहे हैं? एंड मेथेन, वो अलग अलग तरीके से रिएक्शन में, सिंपल लैंग्वेज में आपको याद करने के लिए,
और इससे उन्होंने क्या बनाया, अगेन H2O प्लस CO2, बाकी चीजें भी बनाई, बट ये दो रिएक्शन तो आपको एटलीस्ट याद रखने होंगे, एनसीईआरटी के, ठीक है, एनसीईआरटी की ही बातें कर रहे हैं हम। तो ये सारी चीजें बन गई। अच्छा, साथ साथ में ओजोन लेयर भी बनी उस टाइम। अच्छा, जैसे ही वो कूलिंग हुआ, वो वाटर वेपर फेल एज रेन और उसने बड़े बड़े गड्ढों से ओशन, मतलब उसमें पानी भर गया और वो उन्होंने ओशन बना दिया। दूसरी चीज आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लाइफ पहली बार कब अपीयर्ड हुई, तो ये याद रखेंगे 500 मिलियन ईयर आफ्टर द अर्थ फॉर्मेशन। अर्थ बन गया कब, 4.5 बिलियन ईयर अगर, और उसके भी 500 मिलियन, तो आप समझ गए, मतलब इसका मतलब 5 बिलियन ईयर बैक है ना, ये 4 बिलियन ईयर बैक अपनी जो लाइफ आई, तो इसमें से 0.5 माइनस कर दो, ऐसे आप याद करेंगे, या 500 मिलियन माइनस और कर दो, तो इस तरह से आपको याद रखनी है चीजें। तो ये आंसर क्या आ गया, 4 बिलियन ईयर बैक, यहां पर आंसर आ गया ना, ठीक है। इस तरह से चीजों को समझेंगे, कोई टफ नहीं है अभी तक, आई थिंक। डिड लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस, अब यहां पर वो जो हम लोगों ने बातें की थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन और ऐसी ऐसी चीजें, तो सम साइंटिस्ट बिलीव इट केम फ्रॉम आउटसाइड। अर्ली ग्रीक थिंकर थॉट यूनिट ऑफ लाइफ इज स्पोर्स, है ना, स्पोर्स, और वो डिफरेंट प्लैनेट से आए और उस स्पोर का नाम क्या था, पैनस्पर्मिया। उन्होंने क्या बोला इसको, पैनस्पर्मिया। वो कुछ लोगों ने बोला कि पैनस्पर्मिया के फॉर्म में आउटर स्पेस से यहां पर लाइफ आई, फेवरेबल एनवायरमेंट पाकर वो ग्रो कर गई। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसा भी समझते थे कि लाइफ केम फ्रॉम, ये मैंने आपको पढ़ा दिया ना, उन्होंने स्वेट से बोला था, उन्होंने कुछ बोला, तो इसको क्या बोलते हैं, थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन बहुत सिंपल सी चीज है जो आपको यहां याद रखनी है, बहुत सिंपल सी चीज है जो आपको स्पेशली याद रखनी है। क्या बोला, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, लाइफ केम ऑफ डिकिंग इन रॉटन मटेरियल लाइक स्ट्रॉ, मड, है ना, ऐसी ऐसी कुछ चीजें आपको स्पेशली याद रखनी, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो लुईस पाश्चर बाई केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कम ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो ये चीज याद रखेंगे कि लुईस पाश्चर ने ये बातें बोली थी स्पेशली इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, राइट, दिस वॉज गिवन बाई दिस साइंटिस्ट, ठीक है। और उन्होंने क्या यूज किया था, प्लीज समझो अगेन, उन्होंने यूज क्या किया था, अगर आप समझ पा रहे हो मेरी बात, तो प्री स्टरलाइज फ्लास्क यूज किया, है ना, और उसके अंदर क्या डाल दिया, किल्ड ईस्ट डाल दिया। दोनों चीजें पूछेंगे ना आपसे कि उसके अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज किया था, किल्ड ईस्ट डाला। अब इसकी वजह से स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियरी क्या हो गई, पूरी तरह से हमेशा के लिए क्या हो गई, डिसमिस्ड हो गई। बट अभी भी ये चीजें नहीं पता थी कि एग्जैक्टली फर्स्ट लाइफ, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है वैसे तो, क्या, व्हाट इज द लिमिटेशन, है ना, यहां पर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो सिंपल सा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकते हैं, व्हाट इज द लिमिटेशन, लिमिटेशन पूरा लिख लेते हैं ना, वेट, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ लुईस पाश्चर लॉ। या प्रिंसिपल, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, सिंपल सी बातें हैं, आसानी से समझ लोगे। अगली बात करते हैं, इस बात को जस्टिफाई किया किसने, ओपरिन और हेल्डेन ने, और ये बात समझेंगे, ओपरिन रशिया के थे, हेल्डेन इंग्लैंड के थे, और उन्होंने पहली बार बोला कि फर्स्ट लाइफ केम फ्रॉम, है ना, इनफैक्ट यहां तक मैंने हाईलाइट कर दिया, इंपॉर्टेंट है। अदर कंडीशन ऑफ अर्थ शुरुआत टाइम में क्या थी, हाई टेम्परेचर वॉल्केनिक स्ट्रोम रिड्यूसिंग एटमोसफेयर, याद रखेंगे शुरुआत में कैसी, कैसा एटमोसफेयर था, प्लीज याद करें सारे बच्चे, रिड्यूसिंग एटमोसफेयर था, एक ये बात को समझना है आपको। साथ में ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है,
राइट तो बात को समझें, इंपॉर्टेंट है, बात को समझें इंपॉर्टेंट है। उस टाइम एनवायरमेंट में ये सब चीजें थी। बाद में उरे और मिलर कब 1953 में, कब 1953 में, ठीक है, किसने, मिलर और, है ना, ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने लेबोरेटरी में सारी चीजें एक्सप्लेन की, मिलर, और उनके गाइड थे उरे, जिसे उन दोनों का नाम लिया जाता है। तो उन्होंने इसको एनवायरमेंट, मतलब एक ऐसा आर्टिफिशियल एनवायरमेंट क्रिएट किया, टेम्परेचर इतना रखा, और इसका रेशियो आपको पता ही है, ना, 212 मैंने आपको बता ही दिया था। और ही ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, अमाइनो एसिड, ये बात बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ, बाद में दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने क्या देखा, फॉर्मेशन ऑफ शुगर, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, पिगमेंट्स, फैट्स, राइट। और बाद में इसके अलावा भी कुछ मेट्रोइडल कंटेंट ऐसे भी हमें मिले जिसमें सिमिलर चीजें चल रही हैं, और मतलब कहीं स्पेस में ऐसी चीजें और भी हो रही हैं, अगर आपने चैप्टर को ढंग से समझा है तो, राइट। अच्छा, फर्स्ट पार्ट ऑफ कंजक्टर्ड स्टोरी, दैट इज केमिकल इवोल्यूशन इज मोर और लेस एक्सेप्टेड, इस चीज को आपको समझ में आ गया। हुआ क्या ना कि जो चीज हमने बोली, भाई इस बात को समझो, आज मेरे घर पर मान लो कोई काम चल रहा है, काम चल रहा है मतलब एक नया घर बनवा रहा हूं मैं, उस घर में आज नींव के पत्थर पड़ गए, है ना, फिर उसके बाद उसके अंदर वो सीमेंट और सारी चीजें लगा दी, सपोज फिर उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर बन गया, फिर सेकंड फ्लोर बन गया। कहीं पर अगर नींव का पत्थर हो रहा है, इसका मतलब वहां पे तो घर बनने वाला है। ऐसा ही है हमारे अंदर, शुरुआत में ऐसा बोला गया कि हम लोग जो डेवलप कर रहे हैं वो डेवलपमेंट इसलिए हो रही है क्योंकि शुरुआत में हमारे यहाँ ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हुए जिसकी वजह से टेम्परेचर 800 डिग्री तक पहुंच गया, और वाटर, वेपर, अमोनिया और इन सब के कॉम्बिनेशन से ऑक्सीजन आ गई, फिर धीरे धीरे एटमॉस्फेयर बन गया और धीरे धीरे लाइफ आ गई। कहीं पर अभी वाटर, वेपर, इन अमोनिया और ऐसी चीजें अभी बन रही हैं, इसका मतलब वहां पर भी लाइफ फॉर्म होने वाला है, मतलब वहां पर भी सिमिलर एनवायरमेंट है। तो मेट्रोइड्स के कुछ सैंपल्स जो ऊपर से गिरते हैं ना नीचे, उस सैंपल्स में हमने जब चेक किया तो उसमें यही कंपोनेंट थे, शुगर और ये सारी चीजें, इसका मतलब वहां पर भी ये काम होने वाला है, वहां पर भी लाइफ ओरिजिनेट होने वाली है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझनी है। ओके, तो ये आपको मैंने बता दिया। फिर ये एक्सपेरिमेंट आपको याद रखना है, और इसमें क्या क्या चीजें थी ये प्लीज आप सारे बच्चे इस चीज को जरूर याद कर लें, क्या, मेथेन, अमोनिया, वाटर और ये, ठीक है, इलेक्ट्रोड है, ये वैक्यूम पंप है जो फालतू का ऑक्सीजन उड़ा देता है, बॉइलिंग वाटर आपको वेपर देता है, वाटर वेपर देता है, और दिस पार्ट इज नोन एज कंडेंसर। तो आपको लेबलिंग भी पूछते हैं, एग्जाम में डायग्राम भी पूछते हैं, और जो भी बच्चे मुझसे जुड़े हैं और 12th क्लास में हैं, है ना, जो भी बच्चे मुझसे जुड़े हैं और 12th क्लास में हैं, मुझे ज़रूर बताएंगे, ज़रूर से ज़रूर बताएंगे इस डायग्राम को बनाकर, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। नाउ यहाँ पर एक लाइन दे रखी है, और अच्छी लाइन है, प्लीज इसको याद करेंगे, ये लाइन, ठीक है, फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर बैक, है ना, और वो जायंट मॉलिक्यूल्स थे, है ना, ये चीजें आपको याद रखेंगे। और वो जो जायंट मॉलिक्यूल्स थे, इनको हम कैप्सूल वर्ड यूज करते थे, दे रिप्रोड्यूस देयर मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये भी याद रखेंगे, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म कब ओरिजिनेट हुआ आपके सामने है, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म कब ओरिजिनेट हुआ, और ये सिंगल सेल थे, और इनके बारे में ये सारी बातें बता रखी हैं। अच्छा, धीरे धीरे ये यूनिसेलुलर से क्या बन गए, मल्टीसेलुलर। तो हम इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, और कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर टेल्स अस अबाउट द थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो पहली बात तो आपको समझना है थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, है ना, थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में तीन कॉनोटेशन हैं, तीन बातें कही गई हैं इसमें, है ना, तीन बातें, ये पहली बात है, है ना, ये दूसरी बात है, बात समझ पा रहे हैं, और ये तीसरी बात है, ये तीन बातें आपको कही गई। पहली बात क्या, जो भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं अपने पास में, वो एज सच क्रिएट हुई थी, वो एज सच जैसे अभी है वैसे पहले भी क्रिएट हुई थी, ये बात तो याद कर लो, अकॉर्डिंग टू थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ये वर्ड याद रखेंगे सारे बच्चे। साथ साथ में जो भी डायवर्सिटी है वो हमेशा सेम थी, सेम रहेगी अकॉर्डिंग टू दिस, और अर्थ 4000 साल पुराना है, बस ये तीन बातें आपको
गलत है हमें पता है, बट याद तो करनी पड़ेगी ना. अच्छा, ऑल दीज आइडिया वर स्ट्रॉन्गली चैलेंज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग सीओ एक्सेल. ये आपने पता है ना कि वो जो डार्विन थे, डार्विन ने इन सब चीजों को गलत किया है ना, और उन्होंने बोला लाइफ ओरिजिनेटेड और इवोल्यूशन हो रहा है ना, इवोल्यूशन हो रहा है. एचएमएस की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी थी, है ना, एचएमएस की फुल फॉर्म बता दी थी. ठीक है, हिज मैजेस्टीज शिप बताया था. अच्छा, बाकी यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं कि कैसे इवोल्यूशन हुआ, क्या हुआ. तो फिटनेस की डेफिनेशन यहां पर डार्विन ने दी है ना, और ये यहां से यहां तक जरूर याद करो इसको, इंपॉर्टेंट है ना. क्या, अकॉर्डिंग टू डार्विन रिफर्स टू द अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस, हेंस दोज हु आर बेटर फिट इन एन एनवायरमेंट लीव मोर प्रोजेनी देन अदर, लीव मोर प्रोजेनी देन अदर. सिंपल सी बात. Therefore, will survive more and hence are selected by nature. Hence selected by nature. Let us also remember that Alfred Wallace, एक साइंटिस्ट थे, मैंने आपको बता दिया था. He also came to the same conclusion at same time, है ना. और आपको पता है मलाय आर्चिपेलागो पर गए थे. वो कहाँ पर गए थे? मलाय आर्चिपेलागो पर. ये भी आइलैंड है, जैसे वो गैलापागोस आइलैंड था वैसे यहाँ पर मलाय आर्चिपेलागो वर्ड याद रखना है. ठीक, तो यही कुछ कहानियाँ इन लोगों ने बताई. और आपको पता है कि इवोल्यूशन में सबसे बड़ा एरा, फिर पीरियड, फिर एपोच, मैंने आपको कल भी बताया था अगर आपको याद है, है ना. अच्छा, व्हाट आर द एविडेंसेस? तो लाइफ में एविडेंसेस की जब मैं बात करता हूं तो आपको पता है कि फॉसिल सबसे बड़ा एविडेंस है ना. बातें समझ पा रहे हैं? और इस फॉसिल क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बट इसको ढंग से याद रखेंगे. दूसरी चीज, जैसे कि फॉसिल्स में हमारे पास डायनासोर्स के फॉसिल्स आए, है ना, बाद में तो आर्कियोप्टेरिक्स के भी, है ना, फॉसिल्स है. और इन सारे फॉसिल्स को हम क्या बोलते हैं? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस. क्या? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस. ये कुछ चीजें आपसे पूछी जाती हैं और वो इम्पोर्टेंट भी, राइट. अच्छा, दूसरी चीज यहां पर कुछ बेसिक कहानियां, जैसे कि एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं ना, होमोलॉजी हम लोगों ने बात की थी ना, यहां पर ये बात हमारे पास, जितने भी वेल, बैट, चीता और ह्यूमन हैं, जितने भी मैमल्स हैं, उनके बीच में फोर लिम्स के बोन में एक पैटर्न है, एक सिमिलैरिटी है ना. और ये आपको कुछ चीजें आपको बता रखी हैं कि कौन कहाँ से ओरिजिनेट हुआ. जैसे ब्रैकियोसॉरस है, फिर स्टेगोसॉरस है, और इन्हीं के कुछ फॉर्म में कौन आर्कियोप्टेरिक्स आए, फिर उसी से मॉडिफाई हुए क्रोकोडाइल्स आए. तो ये कुछ नाम आपको याद रखने होंगे. और ये सबसे बड़ा वाला था कौन सा? ट्राइनासोरस रेक्स. क्या नाम है इसका? ट्राइनासोरस रेक्स, राइट. अच्छा, मैं बता रहा था आपको, हमारे सबके पास ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजीज, ये सब कुछ है हमारे पास फोर लिम्स में. और इस तरह के इवोल्यूशन को बोलते हैं जब सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन, उसको ये बोलते हैं. ठीक, बाकी हार्ट और ब्रेन की बात हुई थी, है ना. अच्छा, थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंडरल ऑफ द कुकरबिटा, ये भी होमोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक, और इनको हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं, ये बात हम लोगों ने पढ़ ली थी. अच्छा, डिफरेंट ओरिजिन बट सेम फंक्शन, डिफरेंट ओरिजिन बट सेम फंक्शन, उनको हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या फिर एनालॉगस स्ट्रक्चर बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? एनालॉगस स्ट्रक्चर. आई होप सारे बच्चों को ये बातें समझ में आ रही हैं, ये मैं मानकर चलूं, है ना. अच्छा, दूसरे एग्जाम्पल, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स एंड फ्लिफर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, एक मैमल के फॉर्म में, एक बर्ड के फॉर्म में, लेकिन फ्लिफर दोनों में है, है ना. स्वीट पोटैटो, रूट पोटैटो, इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए बिना किसी कंफ्यूजन के. तो यहाँ पर बायोकेमिकल एविडेंसेस भी हैं हमारे पास, है ना, कि भाई सबके अंदर डीएनए है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था. अच्छा, ये भी याद रखेंगे कि ह्यूमन ने ब्रीडिंग के थ्रू कौन सा ऑर्गेनिज्म बनाया, तो आपको आंसर क्या देना? डॉग. सीधी सी बात क्या है? डॉग. वर्ड को याद रखेंगे, एक डन है ना. अच्छा, यहाँ पर इंग्लैंड में जो मॉथ वाला एग्जाम्पल था वो आर्टिफिशियल नेचुरल सिलेक्शन का अच्छा एग्जाम्पल है, कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसा हुआ और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, आपको पता है ना, ब्लैक ज्यादा बढ़ गए. क्यों बढ़ गए ज्यादा? क्योंकि वो छिप जाते थे, राइट. तो ये चीज आपको याद रखनी होगी. और
ये एक ऑब्जर्वेशन है, प्रेडेटर्स विल स्पॉट अ मॉथ अगेंस्ट अ कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड. ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड की वजह से. और वो बैकग्राउंड कौन डेवलप करता था वो सबको पता है क्या? लाइकेंस. कौन डेवलप करते थे? लाइकेंस. इस तरह का कुछ दिखता था, आपको दिख रहा है? तो बैकग्राउंड में क्या है? व्हाइट है तो व्हाइट मॉथ बच जाएंगे. अब बैकग्राउंड में अगर ब्लैक है तो ब्लैक मॉथ बच जाएंगे. ये सिंपल सा फंडा है, ये सिंपल सा फंडा है. अच्छा जी, अगली बात यहां पर काम की बात समझेंगे. थिक ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट व्हाइट कलर लाइकन, है ना? तो यहां पर सारी चीजें किसकी वजह से बैकग्राउंड बन रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे. व्हाइट कलर्ड लाइकन्स, राइट? व्हाइट कलर्ड लाइकन्स, वेरी इंपॉर्टेंट. दे विल नॉट ग्रो इन एरिया दैट आर पोल्यूटेड. ये वर्ड याद रखेंगे ना, दे आर पोल्यूशन इंडिकेटर्स, दे आर पोल्यूशन इंडिकेटर. ये कुछ कहानियां आपको यहां पर याद रखनी है सिस्टमैटिक तरीके से, सिंपल तरीके से, जो आपको ढंग से समझनी है. क्या? ढंग से समझनी है. ये वर्ड याद रख लेंगे एक, है ना? अगली चीज काम की बात समझेंगे. तो ये चीजें आपको यहां पर समझ में आनी चाहिए. अच्छा, एक वर्ड दे रखा है स्टोकैस्टिक प्रोसेस. इसका मतलब क्या है? स्टोकैस्टिक प्रोसेस, क्या आपको पता है इसका मतलब? स्टोकैस्टिक प्रोसेस बेस्ड ऑन चांस ऑफ इवेंट, है ना? यहां पर क्या दे रखा है? चांस ऑफ इवेंट इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन द ऑर्गेनिज्म. तो स्टोकैस्टिक का मतलब होता है, यहां पर नोट कर ले रहा हूं आपके लिए, है ना? ये वर्ड, वेट, इसका मतलब होता है रेंडम. एनसीईआरटी की ऐसी बातों को भी याद रखो कि एनसीईआरटी किस चीज के लिए क्या कहना चाहते हैं. रेंडम पैटर्न, है ना, जिसका कोई प्रोडक्शन हम इजिली नहीं कर सकते, उनको क्या बोलते हैं? स्टोकैस्टिक. ठीक है, इनका प्रोडक्शन इजिली नहीं कर सकते हैं. अच्छा, एडाप्टिव रेडिएशन मैंने आपको बता दिया था, एडाप्टिव रेडिएशन, राइट? और एडाप्टिव रेडिएशन में इनकी जर्नी कहाँ स्टार्ट हुई थी? डार्विन की जर्नी कहाँ स्टार्ट हुई थी भाई? सबको पता है, गैलापागोस आइलैंड पे. यस, डार्विन की जर्नी कहाँ स्टार्ट हुई थी? गैलापागोस आइलैंड. और उन्होंने पता लगाया कि अच्छा, वहाँ के जो बर्ड्स, उनको क्या बोला? डार्विन फिंचेस. क्या बोला? डार्विन फिंचेस. ये भी वर्ड याद रखेंगे. और उसके बेसिस पर उन्होंने सीड ईटिंग फीचर्स, है ना, और अलग अलग चीजों के फॉर्म में ये बीक के बेसिस पर सबको डिफरेंशिएट किया. ठीक. और दूसरी चीज, दिस टर्म्ड एज एडॉप्टिव रेडिएशन. एडॉप्टिव रेडिएशन मैंने आपको बता ही रखा है. और दूसरी चीज, अनदर एग्जांपल इज इसी एडॉप्टिव रेडिएशन का, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स. ये भी आपको पता ही है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, है ना? और एक छोटी सी चीज, ये डेफिनेशन याद कर लो. व्हेन मोर देन वन एडॉप्टिव रेडिएशन अकर इन अ आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया, वन कैन कॉल दिस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, है ना? तो कई एडॉप्टिव रेडिएशन के ग्रुप को क्या बोलते हैं? इन अ सेम एरिया इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. वर्ड को जरूर याद करो, वर्ड को जरूर से जरूर याद करो. तो यहां पर मैंने आपको ये वाला डायग्राम भी दिखाई दिया था, है ना, अगर आप सारे अच्छे से समझ पा रहे हो. यस, अच्छा, तो यहां पर प्लेसेंटल मैमल्स हैं और मार्सुपियल मैमल्स. ठीक है, तो ये एक ही उसमें है ना, एडॉप्टिव रेडिएशन की बात कर रहे हैं. ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये चीज आपको सिस्टमैटिक पता होनी चाहिए. देखो, ये इसका मैच कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं. अगर ढंग से देखो, मोल मार्सुपियल मोल्स, ये पूरा याद रखना है. नंबैट एंटीटर, माउस मार्सुपियल माउस, लेमूर स्पॉटेड कसकस. तो सब एक ही है ना, क्या? सब एक ही है. अच्छा, नेक्स्ट वन इज, यहां पर जो समझना है इंपॉर्टेंट, ये सब कहानी आपने ऑलरेडी पता ही है ना, कि म्यूटेशन माइक्रोब्स में बहुत क्विक होता है, राइट? तो ये कुछ चीजें आपको यहां पर ऑलरेडी मैंने बता रखी हैं, कुछ बहुत मेन चीज नहीं है. हाँ, ये लाइन जरूर याद कर लो, ये लाइन जरूर याद कर लो. ठीक है, ये लाइन, टू की कंसेप्ट ऑफ डार्विन्स थियरी या एवोल्यूशन, तो ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा. ठीक. अच्छा, अगली बात, इवन बिफोर डार्विन, लैमार्क ने भी कुछ चीजें बोली थी, लेकिन वो बाद में डिसयूज, मतलब प्रूफ नहीं हो पाई,
उनको डिसप्रूव कर दिया गया। और इन्होंने किसका एग्जाम्पल लिया था, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था, जिराफ का, ठीक। और इन्होंने वर्ड भी यूज़ किया था थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, क्या ये प्रोसेस है या रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस? इवोल्यूशन एक प्रोसेस है या फिर रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस है? ऐसे क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक। नेचुरल सिलेक्शन के डेफिनेशन आपको ऑलरेडी पता ही है ना। अच्छा, थॉमस माल्थस का जो वर्क था पॉपुलेशन पर, दैट वर्क इन्फ्लुएंस्ड डार्विन। तो ये भी वर्ड आपको याद रखना है कि डार्विन को किसने इन्फ्लुएंस किया, किन की बातों ने इन्फ्लुएंस किया, तो थॉमस माल्थस ऑन पॉपुलेशन, उन्होंने उसके पर कुछ रिसर्च की थी। अच्छा, एक चीज और भी यहां पर समझे, इंपॉर्टेंट है सारे बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट। छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको यहां पर समझाई थी कि वेरिएशन क्या है ना, पॉपुलेशन क्या है, एडॉप्टेशन क्या है, ऐसी बातें यहां पर की थी। और आपको मैंने मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में अलग अलग टर्म्स बताए, जैसे ह्यूगो डिवरीज ने इवनिंग प्राइमोज पर वर्क किया, किस पे वर्क किया, इवनिंग प्राइमोज पर वर्क किया, और उन्होंने बोला कि जो भी इवोल्यूशन हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, म्यूटेशन की वजह से हुआ है। एक और म्यूटेशन हमेशा हमेशा इन दोनों में डिफरेंस पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूटेशन एंड वेरिएशन? तो म्यूटेशन इज रैंडम एंड डायरेक्शनल लेस, बट वेरिएशन इज स्मॉल एंड डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में होगा। और दूसरी चीज, अनदर वर्ड इज कॉल्ड एज सॉल्टेशन, दैट इज सिंगल, एक ही बार में बहुत ज्यादा म्यूटेशन हो जाना, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज नोन एज व्हाट, सॉल्टेशन। वर्ड को याद रखेंगे सारे बच्चे सिंपल फॉर्म में। तो ये कुछ कहानियां आपके लिए हैं, हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम मैंने आपको वैसे तो ऑलरेडी बता रखा है ना। और ये एक सिंपल सा ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें वर्ड क्या है, व्हाट इज जीन पूल, एक क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज जेनेटिक इक्विलिब्रियम, एक वर्ड पूछ लिया, ठीक है। यहां पर तीन तरह के क्या हैं, ग्राफ हैं आपके सामने, और इस ग्राफ को इसी तरह से सॉल्व करना है, समझना है। और यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ऑलवेज कॉन्स्टेंट, दैट इज वन, है ना, ये बात हो गई थी। और इसके बेसिस पर हम लोगों ने काफी कुछ समझा था, ठीक, इन्हीं के बारे में बात हो रही थी। हार्डी वीनबर्ग को डिस्टर्ब करने के लिए देयर आर फाइव फैक्टर्स, जिसको मैं, पहला क्या है, जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो। हमें पता है बार बार जीन माइग्रेशन होगा तो जीन फ्लो हो जाएगा, राइट। सेकेंड वन इज वॉट, जेनेटिक ड्रिफ्ट। थर्ड वन इज म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और फिफ्थ वन इज नेचुरल सिलेक्शन। एंड काम की बात ये कि व्हेन माइग्रेशन ऑफ अ सेक्शन, पर्टिकुलरली एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो जीन फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी, ये बात आपको ऑलरेडी पता है, ठीक। अच्छा, जेनेटिक ड्रिफ्ट आपको मैंने बता ही दिया था, है ना, जेनेटिक ड्रिफ्ट बता दिया था, जिसकी वजह से सडन ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम फाउंडर, एंड दैट इज कॉल्ड एज फाउंडर इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फाउंडर इफेक्ट, ये वर्ड याद रखेंगे ना, ठीक। अगली बात यहां पर बेसिक चीजें हैं, व्हाट इज स्पेशिएशन, नई स्पीसीज का फॉर्म होना इज कॉल्ड एज स्पेशिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट, डन है ना, ये बातें अभी तक बिना किसी कंफ्यूजन के, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तब भी बताओ। फाइनली हम इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, और आपको पता है कि पहली लाइफ फॉर्म कब आई, अभी लिखा था हम लोगों ने, हाँ या ना, अभी हम लोगों ने याद भी किया था उसको शुरुआत में, सारे बच्चे। सम ऑफ दीज सेल्स हैज एबिलिटी टू रिलीज ऑक्सीजन, वो शुरुआत की बात है। अब यहाँ पर तुमको ये प्लांट, एनिमल और ह्यूमन के बारे में अच्छे से ढंग से याद रखना है। अब ये वाला फ्लो चार्ट मैंने आपको कल एक्सप्लेन भी किया था, याद है कि पैलियोजोइक है ना, फिर मेजोजोइक, फिर सीनोजोइक, ऐसी ऐसी चीजें आपको याद रखनी, पैलियोजोइक, मेजोजोइक, सीनोजोइक, याद है, ज़ोस्टेरोफाइलम इन सब के कॉमन एंसेस्टर हैं। बातें समझ पा रहे हो, ये इसका एंसेस्टर है, है ना, दिख रहा है। इस तरह से आपको चीजें याद रखनी, उसी तरह से साइलोफाइटॉन को भी याद रखना है आपको, साइलोफाइटॉन कितनों के एंसेस्टर आपको दिख रहा है, फंग्स, फर्न्स, गिंगोल्स, कॉनिफर्स, नीटेल, साइकेड्स, सबके तो हैं, तो इस तरह से आपको याद रखना है। और इसी से फिर फर्दर ये डेवलप करता है,
और इसी से तो 50 चीजें ऐड हो ही रही है ना। तो इस तरह से चीजों को याद रखो, बहुत सिंपल हैं, बहुत सिस्टमेटिक हैं और आपको हेल्प करती हैं आपके स्टडीज में, आपको हेल्प करती हैं इनडायरेक्टली स्टडीज में। अच्छा कुड बी, अच्छा यहां पर कुछ बातें दे रखी थी। अच्छा नॉन सेलुलर एग्रीगेट टू फॉर्म जायंट मॉलिक्यूल, जिसको मैंने आपको क्या बोला था, डीएनए आरएनए ऐसी चीजें, लिपिड्स प्रोटीन, ये सब कुछ जायंट मॉलिक्यूल्स हैं। और फाइनली उनके बाहर एक सेल और सेल की मेम्ब्रेन बन गई और उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ ये हमें नहीं पता। और कुछ कुछ ऐसे भी सेल थे जो डिवाइड करके चीजों को उससे ऑक्सीजन बना देते थे, है ना, और वो जो ऑक्सीजन वाला सिस्टम था वो बिल्कुल डिफरेंट था। उसकी वजह से धीरे धीरे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन आने लगे, राइट, एंड ये बात भी समझ लो पैरल में, दैट कुड बी द सिमिलर लाइट रिएक्शन, क्योंकि लाइट रिएक्शन में आपको एनर्जी मिलती थी, ऑक्सीजन मिलता था, है ना। लाइट रिएक्शन ऑफ सोलर सिस्टम फोटोसिंथेसिस वेयर वाटर इज स्प्लिट इनटू विद द हेल्प ऑफ सोलर, ये बात बिल्कुल ठीक है। धीरे धीरे सिंगल वाले मल्टी सोलर में हो गए और सबसे पहले कौन आए अर्थ पर, ठीक है, बाय द टाइम ऑफ 500 मिलियन ईयर अगो इनवर्टिब्रेट्स वर फॉर्म, सबसे पहले जॉलस फिश कब बने, 350 मिलियन ईयर अगो, सीवीड्स वगैरह कब बने, वही सेम टाइम, है ना। पहली बार कौन सा ऑर्गेनिज्म लैंड पर आया, प्लांट आया, पानी से सबसे पहले कौन सा ऑर्गन आया, एनिमल आया या फिर प्लांट आया, प्लांट सबसे पहले आया, ठीक है। अच्छा अगली चीज यहां पर सीलोकैंथ की बात करें, सीलोकैंथ मैंने आपको कल पढ़ाया था, एक्सटिंक्ट हो गई वैसे तो 350 मिलियन ईयर है वो, ठीक, उसी के लिए नाम क्या दे दिया है, लोबफिन्स, क्या नाम दिया, लोबफिन्स। अच्छा ये मैंने फ्लो चार्ट आपको बता दिया था कि साइनेप्सीड कैसे काम कर रहा है। टैलिकोसॉरस कैसे काम कर रहा है, साइनेप्सीड कैसे काम कर रहा है, और सौरपसीड, सौरपसीड से ही लिजर्ड्स बने हैं, ये चीज बिल्कुल याद रख लेना। जो जिससे बना है वो वहां पर कहानियां बता रहा है, तो प्लीज इसको याद रखो, ठीक है। और ये फ्लो चार्ट उसी डायरेक्शन में जाएगा, सारे बच्चे इसको अच्छे से समझ लो। इसके बाद जो चीज आपको यहां पर स्पेशली समझनी है, स्पेशली समझनी है, वो क्या, फर्स्ट एम्फीबियन दैट लिव ऑन बोथ वाटर, कौन थे, सीलोकैंथ की बात हो रही है, राइट। देयर इज नो स्पेसिमेन ऑफ द लेफ्ट विथ अस एक्चुअली, बट स्टिल हम कुछ चीजें एज्यूम करते हैं, है ना, और उन्हीं को बोलते हैं मॉडर्न डे फ्रॉग और सैलमेंडर का एंसेस्टर, कौन, लोबफिन्स को ही बोलते हैं। एम्फीबियन फर्दर रेप्टाइल्स में डेवलप हुए एंड दे हैव, ये आपके अडॉप्टेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सन ड्राइनेस, हाउ रेप्टाइल्स डेवलप देयर एग, दे हैव थिक शेल्ड एग, ये वर्ड याद रखेंगे। अगेन वी ओनली सी देयर मॉडर्न डे डिसेंडेंट, राइट, द टर्टल टॉर्टोइज और ये सारी चीजें हैं। अगली बात जैन फर्न्स की बात करें, जैन फर्न्स किसको बोलते हैं, लंबे लंबे बड़े बड़े टेरिडोफाइट्स, आपको सबको पता है, ट्राइनोसोरस रेक्स के बारे में आपको पता ही है, बिगेस्ट, ठीक। कब ये डिसअपेयर हो गया आपको मैंने बता रखा है, यहां पर एक वर्ड दे रखा है, फर्स्ट मैमल वर लाइक श्यू, ये भी वर्ड याद रखेंगे, बाकी तो कहानियां ही हैं, है ना, बाकी कहानियां ही हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुए, ये इसके ऊपर आ गया, देखो ये पूरी लाइन है, तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है ना, यहां से एक प्रॉपर क्वेश्चन बन सकता है सारे बच्चे, डन। और फाइनली हम इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन के बारे में बात कर लेते हैं, फाइनली ओरिजिन ऑफ ह्यूमन के बारे में बात कर लेते हैं। और सबसे पहले ह्यूमन में कौन आया, 15 मिलियन ईयर एगो प्राइमेट्स आए, उनका नाम पहले रामापिथेकस था, फिर उनका नाम क्या, उसके बाद आए रामापिथेकस, ठीक है,
उनमें हेयरी स्ट्रक्चर्स थे, गोरिल्ला की तरह दिखते थे, चलते भी थे, चिंपैंजी की तरह चलते दिखते थे। तो ये कुछ बातें यहाँ पर हैं। रामापिथेकस इज मोर मैन लाइक और ड्रायोपिथेकस इज मोर एप लाइक। वो बंदर की तरह दिखते थे और वो ह्यूमन की तरह दिखते थे। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, फ्यू फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक बोन्स वर डिस्कवर्ड इन यूथोपिया एंड तंजानिया। ये वर्ड याद कर लो, यूथोपिया एंड तंजानिया। अगली बात यहां पर दे रखा है, 2 मिलियन ईयर अगो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस आए अफ्रीका के ग्रासलैंड में। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस केम इनटू अफ्रीका के ग्रासलैंड में और वो स्टोन से हंटिंग करते थे। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं। फिर इसके बाद आते हैं ह्यूमन लाइक के फॉर्म में, होमो हैबिलिस। ब्रेन कैपेसिटी मैंने लिखवा रखी है। फॉसिल्स जो हैं जावा में मिले, वही हमारे मिले एक्चुअली। फॉसिल्स क्या मिले? हमारे फॉसिल्स मिले। होमो इरेक्टस हैड अ लार्ज ब्रेन नंबर। क्रैनियल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्रैनियल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। होमो इरेक्टस मीट को ईट करते थे, दे एट मीट। नीलडरथलेंसिस में बहुत ज्यादा है, 1400 एक इनफैक्ट एक है नीलडरथलेंसिस और ह्यूमन के बीच का, उसको बोलते हैं होमो सेपियंस फॉसिलिस। क्रोमैग्नन वर्ड यूज करते हैं। उसके पास हमसे भी ज्यादा ब्रेन कैपेसिटी थी, अभी एक्सटिंक्ट क्यों हो गया पता नहीं, राइट? और ये कब मिलते थे आपको एशिया में, कब मिलते थे? 1 लाख टू 40,000 ईयर बैक। 1 लाख टू 40,000 ईयर बैक की बात यहां पर की जा रही है। होमो सेपियंस अराइजेस इन अफ्रीका एंड मूव्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंटल, है ना। और फाइनली ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ईयर आपको याद रखने हैं, है ना, ईयर आपको स्पेशली याद रखने हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, किसी बच्चे को कोई छोटी मोटी कंफ्यूजन? उस टाइम प्री हिस्टोरिक के वर्ड डेवलप की जाती थी। आपसे ये पूरा पूरा लाइन ही पूछ सकते हैं कल को, आपसे पूरी पूरी लाइन ही पूछ सकते हैं कल को, इस वर्ड को याद रखेंगे। और एग्रीकल्चर कब आई? 10,000 ईयर बैक। वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल सी बात है, बाकी चीजें आपने पढ़ ली। यही तो था चैप्टर यार, इतना सिंपल सा चैप्टर। आपको यूनिवर्स का एवोल्यूशन बताना है, फ्रेंकली यूनिवर्स के एवोल्यूशन को जैसे ही आपने बता दिया, आप अर्थ और सोलर सिस्टम और मिल्की वे गैलेक्सी का यूनिवर्स बता दो, फिर आप बताते हो थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, फिर आप बताते हो एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन की, वो एवोल्यूशन के एविडेंसेस क्या क्या हैं, और अगर एविडेंसेस भी पता चल गया उसमें बायोलॉजिकल आइसोलेशन और एडॉप्टेड रेडिएशन, ऐसे नए नए नाम है आपके लिए शायद। उसके बाद आप लोग जंप कर जाते हो किसमें, ये एवोल्यूशन मेन पार्ट में, प्लांट का, एनिमल का और ह्यूमन का, इन सब के एवोल्यूशन आप पढ़ रहे हो। तो ये बेनिफिट नहीं है तो और क्या है? तो दैट्स इट। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसको भी देख लो एक बार। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया किस थ्योरी को एक्सप्लेन करती है इनडायरेक्टली, राइट? ये रिसेंट ईयर में कोई फॉसिल डिस्कवर हुआ वो पूछने के लिए किया है क्वेश्चन। अच्छा, स्पीसीज की डेफिनेशन बताओ। यहाँ पर मैक्सिमम चीजें क्या हैं, सिंपल फॉर्म में ही हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। इनफैक्ट अच्छे से मतलब ढंग से, अच्छा वाला, बिना किसी कंफ्यूजन के। और इस बात को याद कर लो, है ना, बस वेरी वेरी सून बच्चे ना, आई विल अपडेट। फैमिली में कुछ फंक्शंस थे जिसकी वजह से इधर 4-5 दिन मेरा चला गया, बट स्टिल मैं रेगुलर क्लासेस ये वाली जरूर कंटिन्यू कर रहा हूँ। और स्पेशल क्लासेस आपको मैं पूरा शेड्यूल दे देता हूँ आपको, ना, जो भी चीज़ें हैं मैं आपको प्रॉपर एक शेड्यूल दे देता हूँ, आई होप आप, ताकि आपको उस चीज़ों को समझ में चीज़ें आए, राइट? तो यहाँ पर फाइनली है ना, लेट्स क्रैक 12th CBSE साइंस विथ मी ओनली एट अन अकेडमी। और बच्चों ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? सब्सक्रिप्शन को बढ़वाओ। एक मंथ हमारा बीत गया और हम लोग लगे हुए हैं अभी भी स्टिल, बट मैं चाहता हूँ कि सब्सक्रिप्शन को बढ़वाओ, जितने ज़्यादा खुद भी सब्सक्राइब करो, दूसरों से भी करवाओ जो अपने रिलेवेंट फील्ड के हैं, जिनको कुछ भी हेल्प चाहिए इस वीडियो से हेल्प मिलती है। यूज़ माई कोड टू गेट 10% ऑफ प्लस ऑल द सॉफ्ट कॉपीज, राइट? बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि जब भी मैं फ्यूचर में क्लास लूँ, आपके जब भी फ्यूचर में क्लास लूँ,
आपको जरूर से जरूर दिख जाए। फीडबैक फॉर्म जरूर फिल करवाओ। फीडबैक फॉर्म का फायदा क्या होगा आपको पता है? फीडबैक फॉर्म से आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो पाओगे, जैसे आप मुझे अब मैसेज करते हो वैसे, बिल्कुल वैसे। कमेंट में लिखकर बताओ क्या इस लाइन बाय लाइन डिस्कशन, क्योंकि मैं हमेशा करता हूँ, एटलीस्ट थोड़ी सी चीजें और क्लियर हो जाती हैं। भाई 5% भी चीजें क्लियर हो जाएंगी तो मेरा काम बन गया। तो कमेंट करके बताना अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हो, है ना। इनफैक्ट मैं वेट ही कर रहा हूँ, मुझे जल्दी से बताओ अगला टॉपिक क्या स्टार्ट करूँ। इवोल्यूशन खत्म कर दिया मैंने, मैं आपको बताऊँ मैंने चैप्टर 1 खत्म कर दिया, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। चैप्टर 2 खत्म कर दिया, ठीक। चैप्टर 3 नहीं किया, चैप्टर 4 कर दिया, 5 कर दिया, 6 कर दिया, 7 कर दिया, यस। फिर वो जो कौन से हैं, 11 एंड 12, और वो कौन सा चैप्टर है भाई, 8th चैप्टर जो डिजीज का है। इतने चैप्टर खत्म कर दिया आपके, 3, 6, 7, 8, 9 आउट ऑफ 16 विद इन अ मंथ आई हैव कंप्लीटेड 9 chapters। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी गो थ्रू दीज लेक्चर्स, ऑल द टॉपिक, ऑल द थिंग्स, ऑल द चैप्टर। और जो भी चैप्टर बचे उसको मैं शुरुआत से करवाना चाह रहा हूँ, इफ़ यू अलाउ, राइट। एंड मुझे बताना कौन से जो है आपको लेक्चर्स चाहिए, किस टॉपिक पर आपको पढ़ना है मुझसे। बट आई एम प्लानिंग की चैप्टर 1 में, और इस प्लानिंग में हम क्या करेंगे, इस प्लानिंग में स्पेशली हम क्या करने वाले हैं कि ध्यान से समझें, हम लोग यहाँ पर स्पेशली मैं क्या करूँगा, एक टॉपिक पढ़ाऊँगा, उसी टॉपिक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करूँगा, दिस इज माय प्लान। और ये चीज़ें 9 से 10 में होंगी, और इवनिंग में 6:30 to 7:30 जो मैंने आपको टाइम बता रखा है, इसी में उसकी पोलिंग हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक पढ़ाया पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन से रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर क्लास में हो गए यूट्यूब पर। तो जो बच्चा यूट्यूब और इन दोनों में बैलेंस करेगा वही अच्छा कर पाएगा, ठीक है। तो यूट्यूब पर क्लास ली और यहाँ पर पोलिंग की, दिस विल बी द मेथड। इस तरह से आप चीज़ों को सिस्टमेटिक करो, एंड फीडबैक फॉर्म जरूर फिल कर दो। एंड दिस इज माई वॉट टेलीग्राम चैनल, क्या बायो एडी सर। तो वेरी सून मैं बाकी चीज़ें भी आपको अपडेट कर दूंगा, है ना। वेरी सून बाकी चीज़ें भी आपको अपडेट कर दूंगा चैनल के थ्रू। चैनल पर कुछ चीज़ें मैंने पोस्ट की हैं, उसको ज़रूर देखो। फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी की बुक पूरी मैंने वहाँ पर पोस्ट कर रखी है, उसको ज़रूर से ज़रूर देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो उसको सिस्टमेटिक फॉर्म में देखोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर नंबर 1 से ही मैं स्टार्ट करूँगा आपका सिस्टम, और ये बिल्कुल स्लो और सिस्टमेटिक जाएगा, स्लो और सिस्टमेटिक इसी यूट्यूब चैनल पर, स्लो और सिस्टमेटिक। मैं पहले बता दूं कैसा, स्लो एंड वेरी सिस्टमेटिक। इसलिए इसको प्लीज सब्सक्राइब करो, और बाकी लोगों से भी सब्सक्राइब कराओ, और लाइव क्लास में उसके टेस्टिंग के लिए जरूर आ जाना, लाइव क्लास में उसके टेस्टिंग के लिए जरूर से जरूर आना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। मिलते हैं कल, है ना, मिलते हैं कल सेम टाइम पर। कल सेम टाइम पर मिलेंगे कौन से चैप्टर के साथ, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट चैप्टर को सुकून से स्टार्ट करें एक बार, या एक मेरा मन कर रहा है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी स्टार्ट कर लें, क्या ह्यूमन रिप्रोडक्शन को स्टार्ट कर लें तरीके से। तो अभी काम करते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, और उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आपको एक चार्ट आज शाम तक भेज दूंगा। बहुत बिजी था, थोड़ा सा काम था फैमिली का, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, बट ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। अपन अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे सारी चीज़ें सिस्टमेटिक। तो मैं शेड्यूल आपको आज टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा, टेलीग्राम जरूर सब्सक्राइब कर लो, बायो एडी सर, राइट, जरूर सब्सक्राइब करो, बाय।